अरे भैया रोक के, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वाह बिल्कुल सीधा चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलना जैसे ये चल रहे हैं। तो बारिश हो चुकी है शुरू, थोड़ी थोड़ी हो सकता है ऊपर तेज मिले। तो दोस्तों एंट्री हो गई अपनी पावागढ़ के जंगल में। अभी ये बैलबड़ाव गेट है, आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। सुपर व्यू में वीडियो बन रही है ये। कैसा लग रहा सुपर व्यू देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम हम सुपर व्यू यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये बैटरी थोड़ा ड्रेन करता है ज़्यादा, तो देखते हैं कब तक वीडियो चलती है इस सुपर व्यू में, है ना। हाँ, और जंगल में देख रहे हो कैसे बैठे हैं लोग यार। हाँ लाइटें अच्छी दिख रही होंगी इसमें तो। हाँ इसमें तुम्हारा हैंडल तक आ रहा है ना। हाँ अच्छा आ रहा है, तो यही चीज़ है। आज जो है बहुत ज़्यादा हो रही है उमस, बहुत ज़बरदस्त उमस है। अब ये देखना है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। खैर हमारे वहाँ तो हो रही है, कोटाबाग में रोज़ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन नीचे साइड नहीं हो रही है। हमने जैसा पता करा आसपास के लोगों से, रामनगर बैल पड़ाव कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। क्रॉस करके क्या किया पता नहीं यार, आगे से आगे से। हाँ चमकता हुआ गया, लेकिन देखते क्या है। वही है जंगल है, कुछ भी क्रॉस कर सकता है। फ़ोन निकाल दे, फ़ोन निकालो यार, कुछ तो गया यार। ये भाई मुझे है ना। हाँ कुछ तो गया था यार अभी, वाइट वाइट सा ना। हाँ वही है जंगल है। अब यहाँ से तो बिल्कुल प्रॉपर जंगल शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हमने वहाँ हाईवे से एंट्री ली थी। और अभी जो आपको नज़र आ रही है ये बैलपड़ाव रेंज है, क्या है हरा हरा टहनी है नीचे पड़ी हुई, क्योंकि अब हरे को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने दिखा रखा है आपको रात के अंधेरे में ग्रीन पिट वाइपर। माफ़ी चाहता मेरे मुंह पर कीड़ा आ गया था। और अब देखते हुए चलेंगे हम, नहीं तो अभी अब जो वीडियो देख रहे हैं वो गोबरो की है, सुपर व्यू मोड है। कुछ भी रास्ते से निकलेगा यार, आगे कुछ पत्थर है क्या है वो कोने पर भी देखते हैं। जो भी है सस्पेंस बना रहता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता, हम दिखाते हैं आपको जंगल ड्राइव, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आज है नाइट ड्राइव इन जंगल, बहुत ज़बरदस्त ये टेरिटरी है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा था एक बार भालू, हमेशा दिमाग में रहेगा। लेकिन इस जंगल में सिर्फ भालू ही नहीं, बहुत कुछ है जो हमने बहुत कुछ देख भी रखा है। डर तो ये है कि एकदम से मुँह पर आया तो दिखेगा भी नहीं, काला होता है एकदम, काला भालू है। यहाँ हल्की सी स्मेल भी आ रही है मुझे कुछ, है ना। और इस जंगल में बहुत कुछ हमने दिखाया भी है। तो अब जो है हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 8300 या 8400 होने वाली है, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और ऐसे ही 8000 से 80000 जल्दी से जल्दी करेंगे आप लोग वीडियो के ज़रिए। वीडियो पसंद आती है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो दिखाते रहते हैं, और रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाती है। तो बने रहें वीडियो के साथ। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको वो जगह जहाँ हमें मिला था एक पाइथन। जी हाँ, बहुत बड़ा रॉक पाइथन मिला था हमें, जिसे यहाँ पर चित्ती भी बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे अजगर। जी हाँ, जो कि था बहुत बड़ा। वो कहाँ मिला था हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ वो वीडियो भी अटैच कर देंगे, ताकि आपको पहचानने में और जानने में और क्या चीज़ है वो समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो वो हमारी वीडियो है, वो आप देखेंगे।
जब मैं वो जगह दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल निगाह मेरी है सामने। अरे छोटे गियर में मैं अभी गाड़ी चला रहा था फिलहाल, तभी गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी आपको। अभी झींगरों की आवाज़ ज़बरदस्त थी। साथ ही साथ ये देखिए जो मलबा है वो बारिश में जंगल से बहकर नीचे की ओर आ रहा है। और ज़बरदस्त ये जंगल है, यहाँ नॉकटर्नल प्राणी मिल सकते हैं। यहाँ जो रात्रि चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। पॉर्क्यूपाइन और भी जो नॉकटर्नल हैं वो, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, वैसे तो दिन में भी मिल जाते हैं लेकिन रात में निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं ये प्राणी जो वन्य जीव है। और सबसे ज़्यादा तो सीवेट है, अजगर मिला था हमें यहीं, इस एरिया था ना खंबे के पास कहीं, हाँ यहीं कहीं वो था। बाकी आप वीडियो देखिए डिस्प्ले पर आएगी, वो देखें आप दोस्तों। ये देखिए अजगर। अरे भैया रोक के, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई साहब। दोस्तों देखिए अजगर, वाह वाह। दोस्तों देखिए कितना शानदार अजगर है, अनोखी वाइल्ड लाइफ। वाह बिल्कुल सीधा चल रहा है, हाँ वो नहीं करेगा कुछ, रोड क्रॉस कर रहा है। दोस्तों ये अजगर है, देख सकते हैं आप। यार क्या खूबसूरत है, गाड़ी का लाइट के आगे साइड जाओगे, गदब का आइटम। हाथी मिले आपको, हाथी पीछे अच्छा खासा लंबा यार, छोड़े यार लाइट मारिए आ जा आगे को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अजगर, वाओ। तो आप क्या पब्लिक की है जी का हैं भैया, हम व्लॉगिंग करते हैं। तो पहले कर लिया आज जा रहे हो क्या मेरे तो भाई अजगर है। और सामने आप देख सकते हैं है ऊंची ऊंची इस बैंड पर, ये मतलब टाइगर का एरिया कह लूंगा मैं आपको। यहाँ काफ़ी बार रात के समय हमें आते हुए कॉलिंग सुनने को मिली है, एक चूहा निकल कर गया, ये मेंढक था, सॉरी मेंढक था वो, तो हमें टाइगर रोड भी सुनने को मिली है यहाँ पर। बहुत चौकन्ना होकर चलना पड़ता है और साथ ही साथ ऐसे बिल्कुल नहीं चलना जैसे ये चल रहे हैं। इंजॉय अच्छी बातें करें लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी रखेंगे तो फ़ायदा है। ये देखिए छोटी सी चूहिया गई, एक बहुत छोटी सी, छोटा चूहा जैसा बोलते हैं। ये कॉरिडोर हैं कुछ जहाँ से हाथी, जहाँ से जहाँ पर जो है हाथी वगैरह सब आते हैं। अब तो बिल्कुल हरा भरा है, अगर किनारे पर भी हाथी खड़ा होगा ना तो हमें नहीं दिखेगा दोस्तों, तब तो भैया समझ में आएगा कि कोई टहनी चटकने की आवाज़ आई या उसके फुंकारने की आवाज़ आई सांस छोड़ने की, या कोई एक्टिविटी की करी उसने, तब जाके दिखता है हमें हाथी, या रोड पर ही आ जाएगा वो। एक्चुअली रोड पर भी आना ज़्यादा इसलिए पसंद करती है वाइल्ड लाइफ क्योंकि बरसात का टाइम है, रोड रहती है पूरी गीली, तो अंदर जंगल में पूरा गीलापन रहता है, तो उससे बचने के लिए भी थोड़ा रोड की तरफ करते हैं रुख वाइल्ड लाइफ जो है। और सामने से भी एक लाइट आ रही है, मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक यही चीज़ है, सीधी सड़क है, दूर दूर से जैसी गाड़ी दिख रही है आती हुई हमें, और वैसे ही हमें वाइल्ड लाइफ भी दिख जाती है दिन में दूर से,
रात में नहीं दिखने वाली, रात में तो लगभग पास पास से ही दिखने वाली है, इसलिए बहुत रिस्क हो जाता है और क्लोज एनकाउंटर होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, वो भी रात में। काफ़ी तेज़ लाइट है, आप सामने देख सकते हैं। हम तो अपने फिर भी ठीक ठाक रफ्तार में चलते हैं, काफ़ी गाड़ियां मैंने देखी हैं तेज़ रफ्तार में। यहाँ पर कितने कॉरिडोर हैं भाई? यहाँ जो मैंने गिने हैं कम से कम 13, जो चौड़े चौड़े कॉरिडोर हैं, बाकी हाथी कहीं से भी निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, वही चीज़ है, कहीं से भी निकल सकता है हाथी। हाथी का टाइगर क्या, लेपर्ड क्या, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग, मतलब एवरी वाइल्ड लाइफ, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहीं से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जंगल है, ये उनका घर है, उनकी मर्जी, जब आती है तब वो इधर से उधर जाते हैं, नहीं तो जहाँ पर हैं उनको मिलना खाने को, वहाँ पर अपना रुकना उचित समझते हैं। और हम अभी जो बातें करते रहे, लेकिन मेरी निगाह जो है सामने है। अभी आपने वीडियो देखी होगी पाकिस्तान वाली, अच्छी खासी ज़बरदस्त वीडियो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिला था हमें, याद है छोटे? हाँ, तो तब इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, तो अब जितने हैं 8,000 से ऊपर, जो कि 8,500 होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 10,000 करें सब्सक्राइबर्स हमारे। और जो भी वीडियो मिलेगी आपको जंगल से रिलेटेड ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे नाइट ड्राइव हो, चाहे कैंपिंग हो, चाहे जंगल ड्राइव हो, डे ड्राइव हो, कुछ भी हो, वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा दिखाते हैं हम आपको। जहाँ तक ख्याल है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगल की जो एक एक चीज़ है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बटरफ्लाई, जो बड़ी वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेबल खाते हैं वो, नॉन वेज वाले अलग, और जो जिसे बोलते हैं ओमनिवोरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, सर्वाहारी बोलते हैं उनको। हाँ, और बाकी पक्षी हो गए आपके, रेंगने वाले प्राणी हो गए, जैसे आपको कोई मॉन्टर लिजर्ड है, लिजर्ड्स हैं, वाइल्ड लिजर्ड्स वो दिखाई हैं हमने आपको, स्नैक्स दिखाए हैं, तो जो मिलता है हम वो दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और कभी कभी वो चीज़ मिस भी हो जाती है। हमने टाइगर दिखा दिया आपको, लेपर्ड दिखा दिया, स्लोथ बियर दिखते दिखते रह गए, नहीं तो वो भी हमारी वाइल्ड लाइफ की लिस्ट में जुड़ जाता एक दिन। कोई बात नहीं, आएगा वो दिन भी, कभी ना कभी क्रॉस करता हुआ या कहीं ना कहीं हम उसे कैप्चर कर पाएंगे। बाकी आप लोग अपना प्यार अपना साथ बनाए रखें और देखते रहें अभी इस वीडियो को कंटिन्यू। तो बारिश हो चुकी है शुरू, थोड़ी थोड़ी, हो सकता है ऊपर तेज़ मिले, तो भाई को हमने पहना दी रेनकोट। ये देखें आप, आज बैग के लिए पॉली लाना भूल गए थे, तो इसी बरसाती में एडजस्ट कर लिया है, सब कुछ करके चलना पड़ता है। तो देखिए धीरे धीरे बारिश हो रही है, हो सकता है ऊपर तेज़ मिले, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अभी पवलगढ़ गांव क्रॉस करके हम पहुँचे हैं पवलगढ़ गेट। जी हाँ, ओ भाई यहाँ हो रही है ज़बरदस्त तेज़ बारिश, इतना इसमें अंतर देखा तुमने छोटे? हाँ यहाँ कितनी तेज़ बारिश है, अरे बाप रे, यहाँ तो अभी होके निकली है, जस्ट बादल मिल जाएंगे हम ऊपर। अरे बादल छोड़ो यार, ये पानी ना आता ऊपर से नीचे की ओर, रोड गीली है पूरी। दोस्तों मैंने रेनकोट इसलिए नहीं पहना है क्योंकि मैं तो हूँ पूरा पसीने से तर। जी हाँ भैया, बारिश है तेज़, देखिए देखिए भाई, वीडियो ऑन रखना। हाँ देखो ना, देखो ज़मीन से भाप निकल रही है रोड से, जंगल का एक्सपीरियंस है अलग बिल्कुल। और बारिश होती है ना तो बहुत खतरनाक लगता है रात के समय जंगल, जो कि लग रहा है देखने में, है ना, डार्क। जब बारिश होगी ना एकदम से, भी कोई भी रेप्टाइल निकल सकता है, सांप या कुछ भी। अच्छा, लेंस भी साफ करते रहना। हाँ, और थोड़ा मेरी आवाज़ हो सकता आ रही हो, अच्छी आवाज़ ठीक है, वैसे आ रही होगी, मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि आ जाती है, लेकिन गाड़ी की आवाज़ भी साथ साथ आएगी क्योंकि चढ़ाई पर है गाड़ी, 2 किलोमीटर तो ये ज़बरदस्त चढ़ाई है, फिर उसका सीधे एकदम ऊँचाई पर पहुँच जाएंगे हम। अच्छी बात है कि वहाँ पर लाइट अच्छी है अभी, तो बहुत अच्छा दिख जा रहा है हमें, है ना। हाँ,
बाकी हमने वीडियोस मोबाइल से ही बनाई है, लेकिन मोबाइल से ये होता है कि स्टेबलाइजेशन थोड़ा अच्छा नहीं रहता उसमें, है ना, गिरती बहुत। हाँ, उसमें मतलब ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसमें स्टेबलाइज नहीं होती वीडियो। दूसरी बात वो वाटरप्रूफ नहीं है, और दूसरी बात वाटरप्रूफ भी नहीं है। अभी GoPro है, बारिश हो रही है, देखिए हल्की हल्की, या बारिश है लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चल रही, क्योंकि ऊपर है साल के पेड़ों का जो ऐसा है ना झुंड एकदम, जो ग्रुप है पूरा, उसकी वजह से पानी नहीं आ पा रहा। देखिए खुली जगह है, यहाँ पे देखिए तेज़ बारिश है, देखिए इतने एरिया में सूखा एरिया, क्यों? क्योंकि साल के पेड़ हैं ऊँचे ऊँचे और झुके हुए भी हैं कुछ। तो इस वजह से कहीं कहीं पर सूखा दिख रहा है आपको, लेकिन बारिश हो रही है। और नीचे पावलगढ़ गाँव में तो हो चुकी थी बारिश, ये शिफ्ट हुए हैं बादल ऊपर की ओर, और हमने घर भी फ़ोन करके पता कर लिया था कि बारिश हो रही है या नहीं। वो बता रहे थे कि हल्के बादल हैं अभी, हल्की हल्की हो रही है, इसका मतलब हल्की हल्की है तो कभी भी तेज़ हो सकती है। अभी जो है बहुत तेज़ नहीं है, मैं बताऊँ आपको, अभी हल्की है और हाँ ये ज़बरदस्त होके गई है, ऊपर को ही जा रही है बारिश। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ जो है धूप अच्छी खासी पड़ी होगी, इस वजह से सूखा पान है यहाँ पर। तो अभी ऊपर हाथियों का भी आना जाना लगा रहता है, तो देखते हैं, बाइक तो आई है यहाँ पर, तो अच्छी बात हो सकता है कुछ नहीं हो। पिछली वाली नाइट राइड थी, उसमें हमने आपको ग्रुप दिखाया था पूरा, हमने हाथियों का जो ग्रुप है रात के 2:30 बजे क्रॉस करते हुए दिखाया है इसी सड़क पर। कभी भी हाथी को हल्के में नहीं आके, हाथी अच्छी खासी ऊंचाई पर जा सकते हैं और जीते जाते। एग्जांपल मैंने आपको एक चिमटा खाल में दिखाया होगा वीडियो में, चिमटा खाल भी पहुंच जाता है हाथी, चिमटा खाल से ऊपर को भी चलता है रोड पर, वहां जाकर आती है एक गांव है काट की नाव, तो वहां भी मैंने हाथी बाहुल्य क्षेत्र है वो बोट देखा है यार, कि छोटे अच्छा खासा ऊँचा पहाड़ है, लेकिन तब भी मैंने वहाँ बोट देखा। तो हाथी को कभी हल्के में नहीं लें, वो अच्छी खासी ऊंचाई पर भी चले जाते हैं। रोड बाई रोड गए होंगे यार वो, वही तो रोड बाई रोड जाते हैं वो, आराम से चल जाते हैं। कई बार क्लोज एनकाउंटर हुआ भी है, मैंने काफ़ी ड्राइवर लोगों से भी पता करा है रामनगर में। बोल ले, यहाँ सूखा है, मतलब जो हमारी पीछे की जो तिरेणी थी पवलगढ़ की, सिर्फ पवलगढ़ ही पवलगढ़ में बारिश हुई है, और जो पवलगढ़ का जंगल था पीछे उसमें भी बारिश नहीं हुई थी। पवलगढ़ का गांव स्टार्ट हुआ और ये जो पवलगढ़ की रेंज ख़त्म हुई है यहाँ पर, अभी आ गई आपकी कोटा रेंज। जी हाँ, अभी हम कोटा रेंज में आ गए हैं, हाँ, और सीधे आप पर है देचौरी रेंज। भाई इसमें तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल सूखी रोड है। ऐसा होता है, देखिए टुकड़े टुकड़े में बारिश होती है पहाड़ों में और जंगलों में। जहाँ तक ख्याल है आवाज़ मेरी सही आ रही होगी आपको, क्योंकि मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा, डायरेक्ट ये GoPro से वीडियो बन रही है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये बाइक है, लाल रंग की लाइट जल रही है, बाइक है भाई, बाइक क्यों खड़ी है यहाँ? तो दोस्तों जो हाथी का इलाका है वो ये है, यहाँ से हमने आपको आगे जाकर क्रॉस होते हुए दिखाए हैं हाथी, जो कि आप पिछली नाइट ड्राइव की वीडियो में देख चुके हैं। ये एरिया को कभी हल्के में ना लें, ये जो है यहीं से ही दिखाया था हमने हाथी क्रॉस होते हुए। और बाकी ये जो जंगल है अभी समाप्त होने जा रहा है। आज की नाइट ड्राइव, आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।